नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी सितारों की हाल और तारों की चाल। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो करवाएगा आपकी यात्रा को सकुशल पूरी। तो बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। सबसे प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप स्वयं जो भी कार्य करेंगे निश्चित रूप से लाभकारी होगा। आज के दिन भाग्य के सभी द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई तनाव की स्थिति यदि आज बनती है तो उसको टालने का प्रयास करें। आपके किए गए प्रयासों से आज आपका दिन पूरी तरीके से सफल हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और कपूर आरती करके फिर दिन की शुरुआत करिएगा। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा, पर कुछ आज आर्थिक संकोच पैदा हो सकता है, आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, आज किसी भी अनचाही बात पर आज आपको गुस्सा नहीं करना है। आज के दिन घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना और खुद को संभाल लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी पास में कोई देवी मंदिर हो वहाँ जाइएगा, एक पानी वाला नारियल वहाँ अर्पण करिएगा। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह से ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में रहेगा। बेहतर होगा कि आप अपने सभी काम, जो भी जरूरी काम है आज के, उसको दोपहर तक आप निपटाने की, पूरा करने की कोशिश करें। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करें और परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करिएगा, फिर देखिएगा आपका दिन कैसे सफलताओं से भरा रहता है। तो दर्शक, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें तो बस आपको ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललिता जी है। 1/7/80 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 11:04 का इनका जन्म है। 1 जुलाई जी, 80 सुबह के 11:04। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप सवाल कर सकती हैं। प्रणाम भक्ति जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब कि मेरे पति और मेरा झगड़ा चल रहा है, तो वो मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं, और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? बेटा, एक चीज हम आपको बताते हैं, आपके दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो है शनि। शनि आपकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पति के साथ में वैचारिक मतभेद पैदा करवा देता है। लेकिन जहाँ तक आपने जो कुंडली आपकी भेजी है, उस कुंडली के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि आपके पति आपके साथ में कुछ धोखा कर रहे हैं या आपसे कुछ छुपाव कर रहे हैं। उनकी भी जन्म तारीख होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बता देता हूँ, जिससे कि आप दोनों के बीच के जो रिलेशन्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, मधुर रिलेशन हो जाएगा, जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल सा उपाय है,
अनुभूत उपाय है, बहुत से बार हम टीवी पे बता चुके हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है, रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे एक कपूर की टिकिया और अपने हस्बैंड के सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर आप डिब्बी भी रख सकते हैं। वहाँ पे सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके उस सिंदूर को अपने मांग में भर लीजिए, थोड़ा सा बेड के ऊपर छिड़क दीजिए और जो कपूर की टिकिया आपके सिरहाने के नीचे है उसको अपने बेडरूम में जला दीजिए। लगातार 40 दिन तक ये उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे आप दोनों के बीच के जो कड़वाहट है वो खत्म होगी, प्रेम पैदा होगा। उसके साथ साथ में शुक्रवार को एक साबूदाने की कटोरी, साबूदाने की खीर बना लीजिए एक कटोरी, माता जी के भोग लगाइए अपने भगवान के स्थान में, पूजा के स्थान पे। उसके बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में आप दोनों स्वयं खा लीजिए। निश्चित तौर पे आप दोनों के वैवाहिक संबंध हैं उसमें सुधार होगा। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। इस साल 2015 में यदि आप कोशिश करें तो निश्चित तौर पर आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ललिता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और साथ ही में गुड लक टिप्स भी। पंडित जी, हमारी अगले कॉलर पूजा जी हैं, भाई विशाल के लिए आपसे सवाल करना चाहती हैं। 1489 जन्म तारीख है और शाम के 5:15 का जन्म है भाई का। 1489 शाम के 5:15। पूजा जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। भैया की शादी के लिए पूछना था, अभी तक रिश्ता नहीं बैठा। देखो बेटा, राहु की मादशा, केतु का अंतर। राहु इनके दाम्पत्य घर में बैठा है। राहु है सांप का मुंह। सांप कभी सीधा चलता है क्या? टेढ़ा चलता है। राहु का जो कार्यकाल होता है वो टेढ़ा चला देता है, भाग्य में फ्लक्चुएशन करवा देता है। राहु की मादशा केतु का अंतर अभी 19 दिसंबर को खत्म हुआ है, पिछले महीने 19 दिसंबर 2014 को खत्म हुआ है। अब इनके राहु की मादशा शुक्र का अंतर शुरू हुआ है जो 2017 तक चलेगा। निश्चित तौर पे अगले 2 साल आपके भैया के विवाह के सुख के हिसाब से, कैरियर के सुख के हिसाब से, नौकरी व्यापार के लिहाज से, भाग्य के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ साल आ रहे हैं। 2015 में यदि आप प्रयास करते हैं तो इनको पूर्ण विवाह सुख मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने भाई के लिए कोई कन्या ढूंढे तो गुण मिलान अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में एक तो बुध नीच का होकर बैठा है। इनके वजन के बराबर गुड़ लीजिएगा, गौशाला जाइए, गायों को खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि आपके भाई को पूर्ण आयु हो, पूर्ण संतान सुख हो, पूर्ण दाम्पत्य सुख हो और पूर्ण अच्छा कैरियर हो, इस प्रार्थना के साथ में ये काम करिएगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राधे श्याम जी अपने बेटे आदित्य के लिए सवाल करना चाहते हैं। 7/5/91 जन्म तारीख है और रात के 1:10 का जन्म है। 7/5/91 रात के 1:10। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित साहब। जी सर। जय श्री कृष्ण, नए साल की शुभकामनाएं, हमें भी आशीर्वाद दो नए साल का। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद माता रानी आपके, नए साल को मंगलमय करे। इस बच्चे के बारे में मेरे को पूछना हुकुम। आपने 10 दिन पहले आपसे पूछा था, जो आपने बताया हुकुम कि इसकी MCA की परीक्षा में निश्चित रूप से पास हो जाएगा, तो लेकिन इसका रिजल्ट आ गया लेकिन ये पास नहीं हो सका हुकुम। तो एक तो इसके बारे में भविष्य बताया था, ये MCA की परीक्षा में निकल पाएगा तो कब निकलेगा, इसका भविष्य क्या है? MBBS करके आया था बाहर से, लेकिन अभी वो एक एग्जाम लटका रखा है इंडिया सरकार ने, जो वो निकल नहीं पा रहा, वो नहीं निकले जब तक उसकी डिग्री का कोई मान्यता नहीं रहती है। तो भगवान की कृपा आपके आशीर्वाद से एक बार वो परीक्षा में पास हो जाएगा, क्योंकि आपने निवेदन फरमाया पहले तो भी निकल जाएगा, लेकिन ये अभी रिजल्ट आया इसके 24 तारीख को, नहीं निकल पाया। आपने इसके वो वजन के बराबर गुड़ का दान करवा दिया क्या? उसको गुड़ गौ माता को खिला दिया, हाथ हाथ हमने सब एक एक डगली उसको वजन के बराबर सब गायों को खिलाई हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने फरमाया वो सब कर दिया हुकुम। ठीक है, और भी आप फरमा, इसके भविष्य के बारे में क्या है? ये आगे बहुत डिप्रेस हो गया बच्चा अभी। नहीं नहीं, इसको मैं आपको बता देता हूँ पूरी सारी चीज़ें। जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि इसके जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो नीच का है, तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपटीशन हो उसके अंदर आपका भाग्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। अभी इसके 25 दिसंबर से इसके ग्रह बदल चुके हैं, ये जो 25 दिसंबर गई है 5 दिन पहले, इसके ग्रह बदल चुके हैं। अब सन 2016 जुलाई तक का, 2016 2015 और जुलाई 2016 तक का जो समय है इस बच्चे का, चूंकि गुरु की मादशा और शनि का अंतर शुरू हो चुका है, ये सर्वश्रेष्ठ समय है। शनि इसकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है, निश्चित तौर पे इसको उच्च पद की तरफ ले जाता है, सक्सेस दिलवाता है।
सूर्य इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में उच्च के, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे जो भी ये कंपटीशन फाइट कर रहा है या अगले 2-3 महीने में अगर ये देता है तो निश्चित तौर पे इसको सफलता प्राप्त होगी। गौ में गौ वहाँ पे गौशाला में आपने गुड़ का दान इसका कर ही दिया है, इसके अलावा अभी आपको और कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल उपाय मैंने एक राहू के लिए आपको बताया था कि पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पर जाएँ, दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं, ये एक सिंपल उपाय करना है, इसके सिवा और कोई काम नहीं करना। निश्चित तौर पे अगले 2-3 महीने इस बच्चे की करियर के लिए आपको बहुत शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे, आप चिंता ना करें। तो राधेश्याम जी, आपकी बच्ची की मेहनत और पंडित जी के दिए हुए गुड लक टिप्स करियर को रफ्तार दे सकते हैं। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर सुमन जी भाई भरत के लिए सवाल करना चाहती है। 8/2/91 जन्म तारीख है और शाम के 4 बजे का जन्म है भरत का। सुमन जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, जय श्री कृष्णा मंजीत जी। जय श्री कृष्णा बेटा। भैया की गवर्नमेंट जॉब का कोई चांस है या नहीं है अभी? बेटा, वैसे इनकी जन्म कुंडली में इनके नौकरी व्यापार का जो घर का जो स्वामी है गुरु वो उच्च का है, लेकिन इनको 7 साल की केतु की महादशा चल रही है और केतु का काम यह है अड़चने डालना। अभी 2015 जून के पश्चात का जो समय है, उसमें अगर आपके भैया का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि देवगुरु ब्रह्मा मैनेजमेंट क्षेत्र में RS IAS इस तरह के सेक्टर में, बैंक के अंदर में भी PO इस तरह की जो पोस्ट होती हैं उनके अंदर अगर आपके भैया तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था, शायद ये कुंडली मुझे वापस देख रहा हूँ, शनि सूर्य बुध और राहु 4 ग्रह अष्टम भाव में एक साथ बैठ गए। शनि सूर्य और सूर्य शनि अगर साथ में हो और साथ में सूर्य राहु साथ में हो तो पितृदोष बन जाता है, तो आपके भैया की कुंडली में भारी पितृदोष है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपके पिताजी के हाथ के द्वारा एक नारायण बलि कर्म करते हुए पितृदोष की शांति करवाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई का जो भविष्य है वो उज्ज्वल रहे तो ये काम अवश्य करवाइएगा। इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको अपनी जो है ना दौड़ भाग जो आप कर रहे हैं और परिश्रम जो आप कर रहे हैं उसके निश्चित तौर पे अच्छे नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। आपके भौतिक सुख साधनों में अवश्य वृद्धि होगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिएगा, दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सुख और आराम के साधन आज आपको प्राप्त होंगे, नए अवसर आज आपको मिलेंगे, खर्च में कुछ वृद्धि हो सकती, लेकिन कई बार ये होता है कि अपनी साख बचाने के लिए ऐसा करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं खर्चा करना है, तो आज खर्च करने में घबराइएगा मत। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को, काक देवता को खीर पनीर या अपनी जो नमकीन की गाँठें आते हैं वो खिलाइए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप परिवार में सुख शांति बनाए रखें, व्यर्थ का वाद विवाद आज परिवार में नहीं करें। आज के दिन सौभाग्य है वो आपके घर के द्वार पे खड़ा हुआ है। खर्च पर आज आप नियंत्रण रखें, व्यापार में व्यवसाय से संबंधित कई नए अनुभव आज हो सकते हैं, नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना प्रवेश करने दें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी वरिष्ठ जनों की जो सेवा रुचि है वो आप में बढ़ती हुई दिखेगी। आज के दिन दोपहर तक
जो है आपका समय काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। जो भी काम है उसको दोपहर तक निपटाने की कोशिश करें। और ध्यान रखिएगा, आज सुख को दुख को समान समझकर सब कुछ अपने भाग्य पे छोड़ दीजिएगा, फिर दिखेगा सब कुछ स्वतः ही ठीक ठाक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए थोड़े से हरे मूंग भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो सभी काम हैं वो सरलता से बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी में उन्नति की संभावना है। सरकार या सरकारी अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिल सकता है। आपके ऊपर यदि कोई पुराना कर्ज है तो उससे मुक्ति पाने का आज कोई रास्ता भी आपको दिख सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफ़ी समय से कोई अटके हुए जो आपके काम हैं वो आज बन सकते हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आज का जो दिन है वो जीवन में उत्साह को बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर नौकरी में भी तरक्की की संभावना दिखती है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिला जल का अर्घ प्रदान करके फिर दिन की शुरुआत करेगा, पूरा दिन सफल रहेगा। दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बेहतरीन बन जाए। दर्शकों, मेल के जरिए भी आप अपनी समस्याएं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी आज जस्सी जी सवाल करना चाह रहे हैं। 11/2/90 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 6:05 का इनका जन्म है जी। पंडित जी कहती हैं कि इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इनके जीवन में न शांति है न सुख है, और साथ ही में नौकरी के बारे में भी आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, अभी आपको सूर्य की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है, ग्रहण योग बोलते हैं। आपकी जन्म कुंडली में 2-3 चीज़ें, एक तो द्वादश भाव में आपकी कुंडली का जो 12वां घर है वहाँ पर शनि मंगल और शुक्र 3 ग्रह एक साथ बैठ गए। शनि मंगल की जो युति है, अलग अलग हो तो चलता है, लेकिन शनि मंगल एक ही घर में एक बैठ जाए तो एक तो भारी मांगलिक बन गए, और शनि मंगल की इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो जाती कि वो आप स्वयं सहन ही नहीं कर सकते। तो यदि आप पूर्ण वैवाहिक सुख चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, जहाँ भी आप रह रहे हैं अभी वहाँ पर किसी योग्य आचार्य से बात करिएगा और उनको बोलिएगा कि मुझे मंगल शनि की शांति करवानी। खेजड़ी का पेड़ होता है, उसके दंड के साथ यानी उसके लकड़ी के समक्ष उसके साक्षी में इस पूजा को करवाया जाता है, तो आप इस पूजा को करवाइएगा। निश्चित तौर पे इस पूजा के बाद आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय होने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ साथ में एक पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, अपने घर के जो पानी का परिंडा है वहाँ पे नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर वहाँ पे अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए। जून 2015 के पश्चात का समय है, वो आपके विवाह सुख के हिसाब से, दाम्पत्य सुख के हिसाब से, नौकरी के सुख के हिसाब से अच्छा समय है, इसमें कोई दो राय जी। पंडित जी, हमारी अगली मेलर सविता जी हैं। 13/12/78 इनकी जन्म तारीख है। 13/12/78 सुबह के 8:15 का जन्म है इनका, बीकानेर का जी। पंडित जी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में और साथ ही में उसके लिए कुछ उपाय भी आपसे चाहते हैं। बेटा, आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपका बना हुआ है, उसके साथ साथ में शुक्र भी स्वग्रह है, देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु उच्च के होके आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए और गुरु की ही महादशा चल रही। अप्रैल 2014 के पश्चात का जो समय है उसके अंदर यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आपके साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है, आपके सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके भाग्य स्थान में राहु और शनि दोनों एक साथ बैठ गए, और वो भी सूर्य के घर में। राहु जब सूर्य के घर में बैठता है तो सूर्य ग्रहण बनाता है, और शनि जब सूर्य के घर में बैठता है तो पितृदोष बना देता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत के साथ जो लक का जो थोड़ा बहुत परसेंटेज है वो आपके साथ नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण भाग्य का सुख प्राप्त हो, रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाया करिए, दर्शन करिए, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में जाएं, तेल अर्पण करें। इस तरह से सरल उपाय आपके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं,
आज जो आपकी स्वाभाविक चंचलता जो आपके करेक्टर में है उसके कारण कुछ अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा किसी से आज आपको बात नहीं करनी। किसी महत्वपूर्ण दिशा में ठोस कदम आज उठ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करें, दूध का दान करें, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काम काज की जो स्थिति है आज वो निश्चित तौर पर लाभदायक सिद्ध हो सकती है। व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी। शाम तक जहां आपके धन के कोष में वृद्धि होगी वहीं कुछ जरूरी खर्च भी हो सकता है जो कि आप अपने रहन सहन के लिए कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में जाइएगा, एक कमल का पुष्प लीजिएगा, माँ को अर्पण कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, पूरा दिन क्या पूरा साल सफल रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से हो सकती है, लेकिन आज आपको ध्यान रखना होगा कि आज अपने काम से काम रखना है और दूसरों को बिन मांगी सलाह नहीं देनी है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, पूरा दिन सफल रहेगा। जी पंडित जी, यहाँ पर हम एक और मेल लेना चाहेंगे। भारत जी मेल करते हैं, इनकी जन्म तारीख है 7/11/86 और दोपहर के 1:25 का जन्म है इनका। जी पंडित जी, इन्होंने बीटेक किया हुआ है, ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब इंडिया में लगेगी या फिर इन्हें बाहर नौकरी करनी चाहिए और क्या ऑप्शन इनके पास है, किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में दो चीजें हैं, एक तो राहु की 18 साल की माँ दशा चल रही है। राहु का काम ही यही है कि अड़चन लेके आना। कालसर्प दोष बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे विदेश हो, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आप जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन नासिक में इसका विधान बताया गया, वहाँ जाइए, योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति करवाइए, क्योंकि आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देगा। 1.25 रत्ती का जो गोमेद रत्न होता है उसको चांदी में मध्यमा उंगली में रविवार के दिन धारण करिए और साथ साथ में हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाएं, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पूजा को संपन्न करवाइएगा, उसके बाद निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, इसी के साथ एक और मेल हमारे पास है, सौरभ जी का है, 7/2/89 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 1:45 का जन्म है इनका। जी, अपने भविष्य के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में और साथ ही में शादी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं ये। देखिए बेटा, आपको गुरु की महादशा सूर्य का अंतर चल रहा है 2015 अप्रैल, उसके बाद गुरु की महादशा और चंद्रमा का अंतर आएगा 2016 अगस्त तक। ये जो समय होगा ये आपके विवाह सुख के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ समय होगा। चंद्रमा राहू की युति बनी हुई है आपके दसम भाव में, कैरियर में फ्लक्चुएट कर देता है। चंद्रमा राहु साथ हो जाए तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में स्थायित्व की कमी हो जाती है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, लेकिन सब चीज़ें अच्छी हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस राहु का आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठना। गोमेद रत्न धारण करिए मध्यमा उंगली के अंदर 5/5 रत्ती का, रविवार को भैरव जी के मंदिर जाया करिए, उड़द की दाल के बने हुए पकवान वहाँ पर चढ़ाएं, निश्चित तौर पे आपको फायदा दिखेगा। जी तो सौरभ जी, पंडित जी ने आपको आपके मनचाहे गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज के इस कलयुग में यात्रा करना बहुत कष्टमय हो गया है, चाहे वो हवाई यात्रा हो, पता ही नहीं पड़ता कब वो क्रैश हो जाएगा, रेल यात्रा हो, कब दुर्घटना हो जाए पता नहीं, बस यात्रा कब दुर्घटना हो जाए पता नहीं, दुर्घटना का भय हमेशा सताता रहता है। या यात्रा सहकुशल संपन्न हो जाए, मन में यही विचार चलते रहते, या यात्रा करने जा रहे हैं परिवार के साथ तो असुविधाओं का ध्यान करते ही मन कांपने लगता है। तो आज मैं आपको आपकी यात्रा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने वाला एक महाचमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का जाप यदि आप यात्रा पर जाने से पहले करते हैं या यात्रा करते समय करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो यात्रा है वो आपको शुभ परिणाम दिलाती है, निर्विघ्न रूप से संपन्न होती है। बड़ा सरल मंत्र है, आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं धीरे धीरे उच्चारण करूँगा इसको। ओम अपराजित नमस्ते अस्तु, नमस्ते राम पूजित, प्रस्थानम च करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा।
पुनः उच्चारण सुनिए। ओम ए पराजिता नमस्ते अस्तु नमस्ते राम पूजिता प्रस्थानम च करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। भगवान श्री राम और उनके परम सेवक भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी इस यात्रा को सकुशल करवाइएगा। निश्चित तौर पे आपको आपकी जो यात्रा है वो शुभ परिणाम देती हुई दिखाई देगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से नव वर्ष की आपको हार्दिक बधाइयां। नमस्कार।